चलो देखो, यहाँ तो होगा इंडिफिनिट इंटीग्रल, इसको लिखेंगे इस तरह, इंटीग्रल एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब जब डिफिनिट इंटीग्रल रहेगा वो इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा कहीं, ठीक ना, इस तरह दिया रहेगा इंटीग्रल ए से बी, यहाँ में इस तरह सिंबल रहेगा, यहाँ ए लिखा रहेगा, यहाँ ऊपर में लिखा रहेगा बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर इस ए को हम लोग, यहाँ पर वेयर ए को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और यहाँ बी को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। बी को हम लोग क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। ठीक है, मतलब अगर इस टाइप का सिंबल दिया रहेगा ए से बी, ठीक ना, एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो समझ जाना ये हमारा कैसा इंटीग्रल है, डिफिनिट इंटीग्रल। अगर इस टाइप से लिखा हुआ कहीं रहेगा इंटीग्रल एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा कैसा हो जाएगा? इनडिफिनिट इंटीग्रल। क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। चलो देखो, डिफिनिट इंटीग्रल किसी खास इंटरवल में डिफाइंड होता है, जैसे ये देखो ए और बी, इसी इंटरवल में ये हमारा डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रल का कोई इंटरवल नहीं होता है, ये हमारा पूरा एकदम, क्या यहाँ देखो कोई इंटरवल दिया है क्या? लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ लिखा हुआ है क्या? कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ। क्लियर है? तो इनडिफिनिट इंटीग्रल किसी हमारा इंटरवल में नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रल हमारा खास इंटरवल में रहेगा ए से बी। यहाँ पर हमारा लोअर लिमिट कुछ दिया रहेगा और अपर लिमिट दिया रहेगा, कुछ भी दे देगा, यहाँ दे देगा वन, यहाँ टू दे देगा, यहाँ माइनस वन दे देगा, यहाँ माइनस वन दे, यहाँ माइनस वन, यहाँ प्लस वन दे दे, जीरो से पाई बाई टू दे देगा, कुछ भी दे देगा। क्लियर है? तो पहले इसको नोट करो, फिर बताते हैं आगे समझाते हैं। पहले नोट करो इसको। हो गया नोट यहाँ तक? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, चलो अब लिखना, कुछ हमारा फॉर्मूला लिखना है, लिखना सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, हेडिंग डालना। लिखना सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हेडिंग डालना। फॉर्मूलास देखो, फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट हम लोग पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो हम लोग क्या सीखे, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे हम बोलेंगे फर्स्ट नंबर में, देखो यहाँ पर जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता ना वो भी सीख जाएगा डिफरेंशिएशन। जैसे हमारा फर्स्ट हम लोग फॉर्मूला देखे थे, डिफरेंशिएशन साइन एक्स अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलता था? कॉस एक्स मिलता था। क्या मिलता था? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? कॉस एक्स। आता था कि सिक्स नहीं आता था? आता आता था, तो आता था। तो अब हमको बोलेगा कि इस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो हम सीखे हैं क्या कि इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस होता है। तो देखो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रिवर्स मिलेगा। प्रोसेस है कि मिलेगा? तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ साइन एक्स है ना, इक्वल माइनस टू क्या साइन लिखेंगे? एक्स साइन एक्स का डीएक्स। डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस हाँ एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या लिखा है? क्या है यहाँ पर? साइन साइन एक्स, साइन एक्स एक्स, है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा? साइन एक्स। साइन एक्स, साइन एक्स। प्लस लगाएंगे यहाँ सी, जब इनडिफिनिट होता है तो प्लस सी हाँ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे वो भी हम बताएंगे, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्यों लगाते हैं, क्या रीजन है, वो भी सब डिस्कस करेंगे। अभी बस थोड़ा टाइम के लिए याद रखना कि इनडिफिनिट रहेगा तो प्लस सी लगाएंगे, ठीक है। हाँ क्लियर यहाँ तक? हाँ तो हमसे कोई सर, पूछे इंटीग्रेशन कॉस एक्स, तो हमको याद रखना है इंटीग्रेशन कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन कॉस साइन एक्स एक्स इंटू, तो साइन एक्स प्लस सी, प्लस सी क्योंकि प्लस इनडिफिनिट है, सी। प्लस सी। क्लियर है?
सेकेंड नंबर डिफरेंशिएशन कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. देखो कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या आता है, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स. माइनस साइन एक्स. ठीक है, अब यहां से देखो हमको बोलेगा इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स. देखो ओनली साइन एक्स ले रहा है यहां से, तो इस माइनस को यहां लेके आ जाओ तो साइन एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो रिवर्स प्रोसेस होगा ना, तो ये माइनस को यहां लेके आ जाओ तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स. माइनस कॉस एक्स. माइनस कॉस एक्स. कृतिका वीडियो ऑन है का? हाँ देखो बेटा जिसका वीडियो ऑन है वीडियो ऑफ कर देना. नहीं. हाँ चलो हो गया, नॉट नॉट करते चलना. हो गया यहाँ तक बताओ. हाँ. थर्ड नंबर डिफरेंशिएशन 10x विथ रिस्पेक्ट टू x, 10x को करेंगे क्या मिलेगा, sec square x. 10x का डिफरेंशिएशन sec square x. तो अब हमसे कोई पूछेगा कि इंटीग्रेशन sec square x into dx, तो sec square x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या है 10x, तो क्या बोलेंगे 10x plus. इंटीग्रेशन sec square x into dx हमारा क्या जाएगा 10x plus c हो जाएगा. फॉर्मूला है याद रखना होगा ये सब फॉर्मूला. हम तुमसे पूछेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स तो तुमको बोलना होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी. हम बोलेंगे इंटीग्रेशन कॉस एक्स तो तुमको बोलना होगा साइन एक्स प्लस सी. हम बोलेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स तो तुमको याद होना चाहिए टेन एक्स प्लस सी. तो देखो जिसको ये डिफरेंशिएशन याद है ना वो तो हो गया, उसका इंटीग्रेशन याद है. क्यों रिवर्स रिवर्स प्रोसेस कर तुरंत याद है, तो नोट करो जल्दी से. नोट हो जाएगा तो फिर हमको बताना कि हाँ सर नोट हो गया. सर हो गया नोट. या चलो ठीक ठीक ठीक. बड़ा फास्ट है तुम लोग, आपके साथ ही लिख रहे सर. अच्छा मेरे साथ हो. ठीक ठीक ठीक. चलो सर के साथ साथ हो तुम, कम बड़ी बात है. सर क्या कुछ नहीं दिखाई दे रहा. अरे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. हाँ किसी किसी को इतना समस्या है, इतना प्रॉब्लम है कि वो खुद समझ रहा है कि उसके साथ कितना प्रॉब्लम है. जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो देखो आराम से पढ़ रहा है. देखो डिफरेंशिएशन sec x विथ रिस्पेक्ट टू x, sec x का क्या होता था डिफरेंशिएशन, sec x into 10x. sec x into 10x. क्लियर है. तो अब अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन sec x into 10x into dx, तो sec x into 10x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ sec x है तो क्या मिलेगा sec x plus sec plus c. क्लियर है. हाँ सर. देखो जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा तो टेंशन मत लेना, अभी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना फिर से ग्रुप में मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो फिर से तुम वहां भी जाके देख सकते हो अच्छे से. फोर नंबर फाइव नंबर में आना. देखो डिफरेंशिएशन अब ले लो कॉट एक्स, डिफरेंशिएशन कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या देखे थे, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स. माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स. तो आप देखो हमको सिर्फ बोलेगा कि इस कॉसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स इनटू डीएक्स. तो ये जो माइनस है इस माइनस को यहां लेके आ जाओ, यहां जो राइट में माइनस है इसको लेफ्ट में लेके आ सकते कि नहीं, क्योंकि हमको यहां माइनस नहीं बोला, ओनली बोला कॉसेक स्क्वायर एक्स. तो कॉसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे ये माइनस इधर आ गया माइनस कॉट एक्स, तो क्या मिलेगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी. क्लियर है.
हाँ सर हाँ सर चलो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन कॉस है क्या कॉसेक एक्स से क्या आता था माइनस कॉसेक एक्स इनटू कॉटेक्स इनटू कॉटेक्स ठीक है तो आप देखो हमको बोलेगा कॉसेक एक्स इनटू कॉटेक्स पर इंटीग्रेट करने बोलेगा क्या इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इनटू कॉटेक्स ठीक है बोलेगा कॉसेक एक्स इनटू कॉटेक्स इनटू डीएक्स बोलेगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये तो माइनस तो यहाँ नहीं दिया है इस माइनस तो कहाँ लेकर आएंगे लेफ्ट में लेकर आएंगे क्या जाएगा माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी सर फिर से अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है सर कृतिका दिख रही है सर भी नहीं सर कृतिका वीडियो ऑन है क्या कृतिका नहीं सर मेरा माइक म्यूट है ना इसलिए तो उनको मतलब वो आपके वीडियो पे जाके डबल क्लिक करके आपका ही वीडियो दिखेगा फिर अच्छा 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 ठीक 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 देखो जिनको जैसा सब है थोड़ा सा प्रॉब्लम जिनको हो रहा है थोड़ा सा कर लो अपना जो भी सेटिंग है दिख रहा है प्रॉपर नहीं दिख रहा है क्या दिख रहा सर नहीं दिख रहा सर ऐसा करो तुम लोग मार्क कर लो की नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा सर ब्लर हो रहा है ब्लर हो रहा है तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा उसका सर आप गायब होके केतकी और कृतिका दिख रहे दोनों जन अरे तो मतलब अब सेकंड स्क्रीन पे जाके सर के वीडियो को डबल क्लिक करो बाद में तुमको सर का ही वीडियो दिखेगा बस या नहीं हो रहा तो वैसे ही करी सर मेरा बात सुनो मेरा बात ध्यान से सुनो जिनका पहले वीडियो ऑन है सबसे पहले वीडियो ऑफ करो तो वीडियो ऐसा कोई स्टूडेंट है जो ऑन करके रखा है नहीं सर ऑफ है वीडियो हाँ सर वीडियो नहीं वॉइस अच्छा वॉइस उसको भी ऑफ कर दो जब हम आंसर पूछेंगे तो फिर देना जवाब ठीक है चलो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को याद हो गया सभी का अब आ जाओ नेक्स्ट हाँ सर सेवन नंबर देखो डिफरेंशिएशन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे कितना मिलेगा वन तो बोला जाएगा इंटीग्रेशन वन इनटू डीएक्स तो इस वन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ एक्स है तो क्या मिलेगा एक्स प्लस सी वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी क्लियर है नेक्स्ट आ जाओ देखो जिनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था हमने अच्छा लिखा ही नहीं था क्या देखो जिनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है अच्छा परेशान कर दिया लो लिखो उसको क्या बात कॉसेक एक्स का क्या था माइनस कॉसेक एक्स इनटू इनटू कॉटेक्स कॉसेक एक्स ही था ना लास्ट वाला तो इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स इंटू डीएक्स ये माइनस जो है ये हमारा इधर आ जाता था क्या आ जाता था माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी क्लियर हाँ चलो आगे आ हाँ सर सेवन नंबर नोट हुआ हाँ सर कर रहे सर कर रहे रुको हाँ सर हो गया सर लिख लिया लिख लिए सर ये लड़कियाँ बड़ी फास्ट है हाँ हाँ ठीक हो गया यहाँ तक हाँ सर अब देखो सेवन के बाद एट नंबर ये भी हो गया होगा सिक्स नंबर हाँ सर चलो आ जाओ एट नंबर डिफरेंशिएशन
अब देखो हम लोग एक एक करके देखते हैं टोटल, जितना हम लोग डिफरेंशिएशन सीखे हैं आप सब देख रहे हैं टोटल। जैसे x ले लिया, जैसे अंडर रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता था, 1/2 √x होता था। तो हमसे पूछेगा इंटीग्रेशन 1/√x इनटू dx, तो ये जो 2 है यहाँ 1/√x बोलना हमको, ये 2 को हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई का नॉमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या जाएगा 2√x प्लस क्या जाएगा c। आया समझ में, क्या होगा 2√x प्लस c, क्लियर है। फॉर्मूला नंबर 9, डिफरेंशिएशन e के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तुम्हारा e के पावर x ही होता था। तो आप बोलेगा e के पावर x को इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन e के पावर x इनटू dx, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा यही मिलेगा ना, तो हमारा मिलेगा क्या e के पावर x प्लस, e के पावर x प्लस c। क्लियर है यहाँ तक? नहीं सर। हाँ सर। हो गया यहाँ तक नोट सभी का? क्लियर है। हाँ सर। ठीक 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 ठीक, नोट करो नोट करो, देखो तुम लोग बदमाशी मत करो बेटा, ऑनलाइन में कर दिया। हाँ कर लिया, बदमाशी करेंगे। हो गया यहाँ तक नोट सभी का? हाँ सर। हाँ सर, चलो ये एक नंबर हमारा डाल रहे हैं। देखो ये याद रखना होगा फॉर्मूला अपने को, इंटीग्रेशन 1/√x, तो हम बोलेंगे तो तुमको याद होना चाहिए 2√x प्लस c होता है, इंटीग्रेशन e के पावर x तो हमारा e के पावर x प्लस c होगा, ये तो हमारा एकलौता फंक्शन है, डिफरेंशिएशन भी सेम इंटीग्रेशन भी सेम, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों हमारा एनी टाइम क्या आता है, सेम ही आता है। क्लियर है? हाँ सर। आगे आओ। ठीक ठीक, अब देखो अब आ जाओ इंटीग्रेशन 9/10 नंबर, डिफरेंशिएशन log x और विथ रिस्पेक्ट टू x, log x का कितना होता था 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x को अगर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन 1/x इनटू dx, तो क्या मिलेगा, क्या है यहाँ पर log, तो क्या मिलेगा log x प्लस सी, क्या मिलेगा लॉग एक्स प्लस सी। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर, चलो उसके बाद देखो। नहीं सर। हाँ तो जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। टेन के सर जरा धीरे लो। अरे धीरे ले क्या? हाँ ते, 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 आप कैसे गायब हो जा रहे, हमको कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या? ठीक ठीक ठीक, चलो करो करो जल्दी से। हो गया सर। हो गया सर। देखो डिफरेंशिएशन a के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, a के पावर x का क्या होता था, a के पावर x इनटू log a, a के पावर x इंटू लॉग ए। देखो अब हमको सिर्फ बोलेगा इंटीग्रेशन a के पावर x, तो सोचो तो क्या होगा, a के पावर x इंटू dx बोलेगा, तो बताओ तो क्या होगा, लॉग ए नहीं, ओनली बोलेगा a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या होगा सोचो तो, a की पावर x माइनस c प्लस सी, यहाँ पर लॉग ए की पावर एक्स डिवाइड बाय लॉग ए की पावर एक्स एक्स प्लस सी। नहीं नहीं नहीं, एक स्टूडेंट बोल रहा था ए की पावर एक्स डिवाइड लॉग ए, नहीं 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 सर 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 सर, ए की पावर एक्स लॉग ए इनटू डीएक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस सी। यहाँ देखो बहुत बोल लिए तुम लोग, अब देखो यहाँ पर ध्यान, ठीक है, यहाँ पर ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग ए, तो हमको बेटा पूछ क्या रहा है कि a के पावर x का इंटीग्रेशन बताइए,
तो ए के पावर एक्स इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन, तो ये लॉग ए जो है इसको यहाँ से हटाना होगा ना, यहाँ से रिमूव करना होगा ना, ये देखो ये कॉन्स्टेंट है, इसको रिमूव करके हम इस लॉग ए को यहाँ डिनोमिनेटर में लेके आ सकते हैं, आ सकते हैं नहीं आ सकते, ए के पावर एक्स, और ये लॉग आ गया डिनोमिनेटर में, देखिए ए के पावर एक्स, अब बाई क्या आ जाएगा लॉग ए, अब प्लस क्या आ जाएगा, एक स्टूडेंट बोल रहा था ए के पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस, सेम बोल रहा था, बिल्कुल सेम बोल रहा था, क्लियर है, नोट करो, हो गया, हो गया सर, हो गया सर, देखो उसके बाद आगे। अच्छा चलो हम तुमसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से बताना तुम लोग, दिया रहेगा डिफरेंस x के पावर n प्लस वन, और डिनोमिनेटर में देगा यहां पर n प्लस वन, एक मिनट रुको, किस तरह दिया रहेगा, डिफरेंशिएशन x के पावर n प्लस वन, अब बाई यहां पर दे देगा n प्लस वन, अब बोलेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू क्या होगा बताओ, देखिए कौन इसको डिफरेंशिएट कर पाता है, ये हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं तुमसे, डिफरेंशिएशन एक्स के पावर में एन प्लस वन और डिनोमिनेटर में एन प्लस वन है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जा रहे हैं, तो इक्वल टू हमारा क्या आएगा, एक्स करो सॉल्व, ये हो गया नॉट, इंटीग्रेशन में सॉल्व करना है ना सर, नहीं इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, हम दिए हैं डिफरेंशिएशन एक्स के पावर एन प्लस वन, अब बाई है एन प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब बोला इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा आंसर, अलग करना पड़ेगा ना उसको, देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ समझो, देखो यहाँ पर जो हम दिए हुए हैं, हम तुमसे जो पूछ रहे हैं x के पावर n प्लस वन, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है n प्लस वन, ये n प्लस वन कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है कि नहीं है, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट है, n प्लस वन कॉन्स्टेंट है, और हम सीखे हैं कि कभी भी अगर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में रहे तो उसको कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, एक स्टेप यहाँ से ऐसे लिखते हैं, वन बाई एन प्लस वन कॉमन ले लेते हैं, ये वन बाई एन प्लस वन जो है कॉमन ले लेते हैं, यहाँ डिफरेंशिएशन क्या बचेगा एक्स के बराबर एन प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बचेगा, इसको यहाँ से एन प्लस वन जो था ये, इसको वन बाई एन प्लस वन कॉमन ले लिया, अब इसको लिखेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वन बाई एन प्लस वन और डिफरेंशिएशन x के पावर n प्लस वन और विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, हाँ, हाँ. ये x के पावर n प्लस वन है, मतलब x के पावर ये क्या है कांस्टेंट, तो देखो वेरिएबल हाँ. के पावर कांस्टेंट रहता था x के पावर n, तो उसका फॉर्मूला क्या था बताओ, x के पावर n जो था n माइनस वन, n माइनस वन क्या क्या n इनटू x के पावर n माइनस वन, तो देखो ये तो हमारा 1 बाई n प्लस 1 इसी तरह होगा एडिटिव, अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो n प्लस जो 1 है ये मल्टीप्लाई होगा इनटू क्या जाएगा x के पावर, इसमें से n प्लस 1 में से माइनस 1 कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, जो फॉर्मूला लगाएंगे ना x पावर n का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n की जगह में यहां n प्लस 1 है, n प्लस 1 मल्टीप्लाई,